जर्मनी स्टडी वीजा की गल कर जा रहे हैं। अज के टाइम असं लगातार देख रहे हैं कि बहुत ही वधिया रिजल्ट जो है देखे जा रहे हैं, धड़ाधड़ वीजे भी आते देख रहे हैं असं, तो स्टूडेंट्स का रुझान भी जर्मनी वाल बहुत ही वधिया। क्यों वधिया इस उपर भी गल करांगे, आखिर किस तरह के बेनीफिट जो है जर्मनी स्टडी वीजा से मिल रहे हैं जो अचानक स्टूडेंट्स भी अपलाई कर रहे हैं, तो जर्मनी के स्टडी वीजा भी चंगी रेशो के देखे जा रहे हैं। स्वागत है जी सारे का, मैं हाँ हरजोत कौर, और अज डिटेल जर्मनी स्टडी वीजा बारे और किवें कि प्रोफाइल वाले स्टूडेंट्स बेस्ट चांस बेस्ट ऑप्शन बनी है जर्मनी स्टडी वीजा, इस उपर खुल के पूरी जानकारी तो सांझी करन जा रहे ने नेविगेटर्स ओवरसीज तो वीजा एक्सपर्ट मिसेस वीना गोयल मैम साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है मैम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, नमस्कार सारे। सो मैम, अचानक आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स का रुझान भी जर्मनी स्टडी वीजा वाल बहुत वध्या है, और उधरों आप जर्मनी की गल करिए वीजा भी बहुत अच्छे जरूर लग के आ रहे हैं, स्टूडेंट्स नूं बुलाया जा रहा उत्थे पढ़ाई दे लई, अपने फ्यूचर नूं वधिया बनाने दे लई, चंगे ऑप्शनस नूं एक्सप्लोर करन दे लई। सो अज दे टाइम दे विच केड़ी केड़ी प्रोफाइल नूं तुसीं कहना चाहोगे, स्टूडेंट्स नूं कहना चाहोगे कि बेस्ट ऑप्शन उन्हां दे लई जर्मनी स्टडी वीजा, और किस तरह के बेनीफिट्स भी स्टडी वीजा ते मिल रहे हैं। आप फीस वाइज भी गल कर लईए, कोर्सिस नूं फ्यूचर विच जॉब अपॉर्चुनिटीज की भी गल कर लईए। मैं जरूर चाहूंगी ये कुछ तीन चार टॉपिक्स के उपर ही स्टूडेंट के सवाल अक्सर रहते हैं, इन्होंने उपर तुसी पूरी जानकारी जरूर सांझी करो। हरजोत, जर्मन जेड़ा है इस टाइम एक जिन्हों कहना चाहिए कि स्टूडेंट्स का एक अट्रैक्शन का केंद्र बनया हुआ है, क्योंकि जब मैं शो शुरू किए जर्मनी वीजा शुरू होया तो बच्चों ने शायद उन्ना ध्यान नहीं दिता सीगा, हुण इन्ना रश पै गया जर्मनी की डेटा नहीं मिल रही, स्लॉट नहीं मिल रहे, लेकिन वो भी मिल जाते थोड़ा जा स्ट्रगल करना पैंदा। जर्मनी दे विच सब तो पहले जिहड़ा स्टूडेंट का एडमिशन होना चाहिए, एडमिशन की कुछ शर्त है, वो 50% तो उपर परसेंटेज होनी चाहिए है, आइल्स 5.5 होना चाहिए, ठीक है, गैप 2-3 साल की कोई प्रॉब्लम नहीं है प्लस टू वास्ते, ग्रेजुएशन वाले वाले चाहे 10 साल का गैप के नाल भी अप्लाई करन उन्हां दी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सी इत्थे मेजर डिफरेंस देखो, बाकी कंट्री जिहड़ी है इस टाइम 10 ईयर्स 12 ईयर्स का गैप शायद ना लैन, बट जर्मनी लै रहा, क्योंकि पता है उन्हां नूं मैच्योर स्टूडेंट है, एक ग्रेजुएशन जिन्हें कर ली है वो 10 साल तक मान लो जॉब कर रहा या अपना बिजनेस कर रहा है, तो उहदा हक है जड़ा पढ़ाई करन दा, उस चीज़ नूं समझ दे, इस करके ग्रेजुएशन दे बाद गैप दी उन्हां नूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जर्मनी जिहड़े इन्ना बड़ा कंट्री है कि तुसी ये देखो कि जिहड़ी भी मेजर इंडस्ट्रीज है वो सारी जर्मनी च तुहानूं मिलनगी, सब तो ज़्यादा आटोमोबाइल दे मिलनगी, उसके बाद IT दा बहुत जबरदस्त है, हेल्थ दा बहुत जबरदस्त है इस टाइम, और पूरे यूरोपियन यूनियन नू फंडिंग जड़ा जर्मनी करता है, तो इकोनॉमिकली इन्ना स्ट्रोंग है, जो एज ए पेरेंट मैं भी अपना बच्चा भेजूंगी तो पहले मैं देखूंगी वो कंट्री इकोनॉमिकली कितना स्ट्रोंग है, जो इकोनॉमिकली स्ट्रोंग है तो मेरे बच्चे नू कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उत्थे पढ़न दे विच, ये सब तो ज़्यादा पेरेंट्स का कंसर्न होना चाहिए, ये पेरेंट्स वास्ते पॉइंट है कि जर्मनी इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रोंग है, और इस करके उत्थे जिहड़े बच्चों की पढ़न के बाद जिहड़ी जॉब्स हैं बहुत अच्छी जॉब्स लगदी हैं, क्योंकि 39,000 यूरो की जो तुहाडे कोल जॉब है तो तुसी जिहड़ा है ब्लू कार्ड अप्लाई कर सकते हो, बट जिहड़ा इत्थे ऑन एन एवरेज जिहड़ी सैलरी आ रही है वो 60-65 हज़ार डॉलर ऑन एन एवरेज आ रही है, और जब बच्चे को थोड़ा जहा एक्सपीरियंस है समझो IT के बंदे की गल करते हैं तो 80,000-90,000-100,000 यूरो भी उन्होंने को सैलरी आ रही है, जो कि एक बहुत अच्छी सैलरी है और स्टेबल जॉब्स हैं इत्थे, और जिहड़ी यूनिवर्सिटियां हैं वो भी साढ़े को जिहड़ी असी भेजते हैं जिहड़ी इंपलायर्स ने आप बनाई हैं, मीनस मार्केट दे विच जिहड़े बच्चे उन्होंने नहीं मिलते काम वास्ते जिहड़े कोर्स करके इंडस्ट्रीज जिहड़ी है वो बेसिकली वो कोर्स कराते हैं, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स होए, चाहे इंडस्ट्री 4 होए, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का कोर्स होए, वो कोर्स कराते हैं जिहड़े बच्चों की उन्होंने रिक्वायरमेंट, दैट मीनस उस यूनिवर्सिटी तो बच्चा पढ़ के डायरैक्ट इंडस्ट्री च लगेगा, वो बच्चा अनइम्पलॉयड नहीं रहेगा। कोर्स कंप्लीट करन दे बाद मिनिमम 18 मंथ्स का इन्हों का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट होंदा, डिपेंड ऑन सैलरी, अगे वो 5 ईयर्स तक का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कन्वर्ट हो जाता है,
लेकिन साढ़े बच्चों इन्नी जरूरत ही नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटी के बाद डायरैक्ट वो इंडस्ट्री चले जाते हैं तो दैट मीनस वो जॉबलैस है ही नहीं है। और जब वो पढ़ रहे अपने खर्चे सारे काट सकते पार्शल अपने फीसा भी काट सकते हैं तो ये एक स्टूडेंट न बहुत लुभावनी चीज़ा बना दस दी हैं। सैकेंड आइल्स रिक्वायरमेंट जी है वो कोई 6 नहीं 7 नहीं जस्ट 5.5 वो लैके स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। फीस एज लो एज 8,000 यूरो 7,000 यूरो अगेन इट डिपेंड। देखो एक ऑन एन एवरेज जी यूनिवर्सिटी की फीस है 11,000-12,000 यूरो भी आएगी। इट डिपेंड्स कि बच्चे को स्कॉलरशिप किन्नी मिली है और कि यूनिवर्सिटी अप्लाई किया वो हिसाब न होती है। जर्मनी में नो डाउट फ्री एजुकेशन भी है बट टोटल फ्री एजुकेशन लैन वास्ते एक लैवल तक तो जर्मन लैंग्वेज चाहिए है। सैकेंड थोड़े तो पेशेंस होना चाहिए क्योंकि जी फ्री एजुकेशन वो मैक्सीम सैप्टेंबर इनटेक होंगे तो वो वास्ते थानू जोड़ा डेडलाइन तो पहले जनवरी फरवरी च डेडलाइन हो जाती है उस तो पहले थोड़ा अप्लाई करना पैंता और पेशेंस रखनी पैंती है और लैंग्वेज करनी पैंती जो टोटल तुसी फ्री एजुकेशन लेना चाहते हो। और फ्री एजुकेशन वाली यूनिवर्सिटियां जी थी 12 जी 12th है वो नहीं एक्सैप्ट कर दियाँ क्योंकि जर्मन का जोड़ा स्टाइल है या जर्मन की जी टीचिंग मैथड है उन्होंने ग्रैजुएशन वास्ते 13 ईयर ऑफ एजुकेशन चाहिए है अपनी जी 12 ईयर ऑफ एजुकेशन है। मान लो जोड़ा बच्चा ग्रैजुएशन फर्स्ट ईयर च है वो डायरेक्ट एलिजिबल है ग्रैजुएशन वास्ते तो जीड़ी कुछ मीनस जिन्होंने सैमी प्राइवेट कह सकते हैं यूनिवर्सिटियाँ छोटा जहा टैसट लैके डायरैक्ट एडमिशन दे दिंदियाँ या फिर तू 6 मंथ का फाउंडेशन प्रोग्राम जोड़ा कि हजे कुछ यूनिवर्सिटियाँ सैप्टेंबर वास्ते टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा वो लैके स्टूडेंट जा सकता है क्योंकि 13 ईयर ऑफ एजुकेशन नहीं है अपने स्टूडेंट्स को 12 ईयर ऑफ एजुकेशन है तो उन्होंने ये चीज़ बहुत बेनीफिट देगी कि 6 मंथ का जोड़ा फाउंडेशन प्रोग्राम है वो जिदी घट तो घट फीस 5,000 यूरो होनी चाहिए वो टोटल फ्री है स्टूडेंट्स वास्ते। जी 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 देख तो स्टूडेंट्स समझ सकते हैं कि किन्ने बेनीफिट्स तुहानू मिलन जा रहे हैं अगर तुसी जर्मनी स्टडी वीज़ा एक चंगी ऑप्शन के तौर पर लेंदे हो इस बेनीफिट्स ले सकते हो अगर टाइमली तुसी अप्लाई कर दो पूरी इन्फॉर्मेशन होर चाहो अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली सही कोर्सेज चूज करना चाहते हो समझ नहीं आ रही चीज़ा हाले तो जरूर जरा नंबर डिस्प्ले है इस नंबर पर कॉल करो नैविगेटर्स ओवरसीज़ तो पूरी जानकारी तुसी ले सकते हो। इन्हां दे ऑफिस भी चंडीगढ़ विच ऑफिस है इत्थे विजिट कर सकते हो ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन और तुहाडे डॉक्यूमेंट्स की असैसमेंट तो बाद जो है तुसी सही चीज़ों नूं समझ सको और उस हिसाब दे नाल अपना डिसीजन भी लै सको। कोई होर सवाल होवे तां कमेंट सैक्शन दे विच भी तुसी अपने सवाल साडे नाल जरूर सांझे कर सकते हो। बहुत बहुत थैंक्स मैम पूरी इन्फॉर्मेशन तुसी स्टूडेंट्स नाल सांझी कीती है तो अगों भी असीं स्टूडेंट्स लिए इसे तरह नाल होर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लैके आते रहेंगे। फिलहाल ही दो जी इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।